सीरिया मिडिल ईस्ट का एक ऐसा देश जहाँ के लोगों को आप दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली लोग भी कह सकते हो, क्योंकि यह देश लंबे समय से सिविल वॉर की चपेट में है। खैर, सिविल वॉर तो एक अलग ही मुद्दा है, साथ ही साथ यह देश बड़ी बड़ी सुपर पावर देशों की प्रॉक्सी वॉर की चपेट में भी है, क्योंकि कुछ देश यहाँ की सरकार का सपोर्ट करते हैं तो कुछ देश यहाँ के विद्रोहियों का, तो कुछ देश यहाँ के चरमपंथियों का। कुल मिलाकर पीस रहे हैं यहाँ के आम लोग, यहाँ तक कि यहाँ की सरकार ने तो अपने ही लोगों पर एक बार रासायनिक हमले तक कर दिए थे। खैर, हम इनके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले शुरुआत करते हैं इतिहास से। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। मेरा नाम है विकास और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरिया के इतिहास के बारे में। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित सीरिया एक समय पर्शियन एम्पायर का हिस्सा था, जब साइरस द ग्रेट ने करीब 539 BC में इस क्षेत्र पर कब्जा किया था, और यह क्षेत्र लंबे समय तक पर्शियन एम्पायर के अधीन ही रहा था, जब तक कि सिकंदर ने अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू नहीं किया। सिकंदर द ग्रेट ने करीब 330 BC में इस क्षेत्र पर कब्जा किया था। सिकंदर के बाद भी लंबे समय तक यूनानियों का अधिकार इस पूरे प्रांत पर रहा, और यूनानियों ने ही इस पूरे क्षेत्र को सीरिया प्रांत का नाम दिया था। आगे चलकर इस क्षेत्र पर आर्मेनियन एम्पायर का कब्जा भी हो गया था, जब आर्मेनियाई राजा ट्राइग्रेंस द ग्रेट ने 83 BC में इस क्षेत्र पर कब्जा किया। हालांकि यह क्षेत्र ज्यादा समय तक आर्मेनिया के नियंत्रण में नहीं रहा, क्योंकि 64 BC में एक रोमन एम्पायर के जनरल ने यहां हमला किया और इस पूरे क्षेत्र को रोमन एम्पायर का प्रांत बना दिया गया। यह पूरा क्षेत्र उस समय सिल्क रोड के लिए बहुत मशहूर था, इसलिए इस क्षेत्र को लेकर पर्शियन और रोमन एम्पायर के बीच बार बार लड़ाई चलती रही। तो दोस्तों, ये तो थी बातें ईसा पूर्व की, यानी कि BC की। अब बात करते हैं AD की, जब रोमन एम्पायर को दो भागों में बांटा गया और यह पूरा क्षेत्र वाइजेंटिन एम्पायर के अधीन आ गया। उस समय तक यहाँ ग्रीक और रोमन शासकों का प्रमुख स्थान था। असीरियन सीरिया के नॉर्थ ईस्ट इलाकों में रहते थे। इनके अलावा यहूदी और आर्मेनियन लोग भी यहाँ शहरों में रहते थे। उस समय यह क्षेत्र बहुत समृद्ध था, लेकिन फिर आया 7वीं शताब्दी का समय, जब इस्लाम मिडिल ईस्ट में अपने पैर पसारना शुरू कर चुका था। करीब 640 में खालिद इब्न अल वालिद की कमान में रशीदुन कैलिफेट ने सीरिया पर कब्जा कर लिया था, और आगे चलकर उमायद कैलिफेट के शासन में दमिश्क को इस्लामिक दुनिया की राजधानी बनाया गया। हालांकि आगे चलकर अब्बासिद कैलिफेट ने अपनी राजधानी बगदाद को चुना। इस दौरान इस्लाम का प्रभाव यहाँ लगातार बढ़ता रहा, अरबी यहाँ की प्रमुख भाषा बन गई। आगे चलकर इस क्षेत्र पर क्रूसेड वार भी हुए, यानी कि धार्मिक युद्ध, जब यूरोप के ईसाइयों और अरब के मुस्लिमों के बीच बड़े बड़े धार्मिक युद्ध हुए। जब धार्मिक युद्धों का मामला थोड़ा ठंडा हुआ तो फिर आए मंगोल। मंगोलों ने 1240 की शुरुआत में सीरिया पर बार बार आक्रमण किए, हालांकि मंगोलों को ज्यादा सफलता नहीं मिली। यहाँ मामलुक सल्तनत का राज काफी लंबे समय तक रहा। इसी दौरान यहाँ तैमूर लंग का हमला भी हुआ, जब तैमूर ने सीरिया के प्रमुख शहर दमिश्क में भारी नरसंहार मचाया था। हालांकि मामलुक सल्तनत का साम्राज्य यहाँ 1516 तक रहा, जब तक कि 1516 में ऑटोमन एम्पायर ने मामलुक सल्तनत पर हमला नहीं किया। ऑटोमन एम्पायर के हमले के बाद मामलुक सल्तनत के अधीन सारा साम्राज्य ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में आ गया, और यहाँ के ज्यादातर स्थानीय लोगों ने ऑटोमन एम्पायर का स्वागत किया, क्योंकि उस समय मुस्लिम दुनिया में ऑटोमन एम्पायर सारे मुसलमानों का मसीहा था, और तब से लेकर प्रथम विश्व युद्ध तक यह पूरा क्षेत्र ऑटोमन एम्पायर के अधीन ही रहा। हालांकि बीच में करीब 1831 में इजिप्ट के इब्राहिम पाशा ने बगावत करके इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन 1840 तक उन्हें क्षेत्र वापस ऑटोमन एम्पायर को सौंपना पड़ा। फिर आया 20वीं शताब्दी का समय, जब तक ऑटोमन एम्पायर काफी कमजोर हो चुका था, और अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए ऑटोमन एम्पायर प्रथम विश्व युद्ध में कूद गया। सोचा था कि सेंट्रल पावर के साथ मिलकर उसे फायदा होगा, लेकिन हुआ उल्टा, सेंट्रल पावर यह युद्ध हार गई। इस युद्ध के दौरान सीरिया में मौजूद ईसाई, आर्मेनियन और असीरियन लोगों के नरसंहार किए गए। वही युद्ध के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस ने 1916 में साइक्स पिकोट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार यह तय किया गया कि युद्ध के बाद ऑटोमन एम्पायर के क्षेत्रों को कैसे बांटना है, और युद्ध के बाद यह पूरा क्षेत्र फ्रेंच शासन के अंतर्गत आ गया।
हालांकि 1920 में हाउसमाइट परिवार के फैजल फर्स्ट को यहाँ का राजा चुना गया था, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। फैजल को फ्रांस ने सीरिया से निष्कासित कर दिया। फैजल बाद में इराक चले गए और अंग्रेजों ने विद्रोहों को रोकने के लिए फैजल को इराक का राजा बना दिया था। वहीं सैन रेनो कॉन्वेंशन के बाद फ्रांसीसी सेनाओं ने सीरिया पर कब्जा कर लिया। साथ ही लीग ऑफ नेशन ने भी इसे मान्यता दे दी और फ्रेंच रूल के तहत सीरिया की सीमाएं दुनिया के सामने आईं। दरअसल मिडिल ईस्ट में मौजूद अधिकतर देशों की सीमाएं ब्रिटिश और फ्रेंच ने ही तय की थी। वहीं सीरिया में लोगों ने फ्रेंच शासन को एक्सेप्ट नहीं किया और फ्रेंच सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिए। 1925 में सुल्तान अल अतरस ने एक विद्रोह की शुरुआत की जो कि पूरे सीरिया और लेबनान तक फैल गया। अल अतरस ने फ्रेंच शासन के खिलाफ अल कफर और अल माजरा की लड़ाई में जीत हासिल की और कई शहरों को जीत लिया, जिसके कारण फ्रांस ने मोरक्को और सेनेगल से अपने हजारों सैनिकों को सीरिया भेजा और 1927 तक फिर से सभी शहरों पर कब्जा कर लिया। इस दौरान सुल्तान अल अतरस ट्रांस जॉर्डन भाग गया, लेकिन फ्रेंच शासन के खिलाफ विद्रोह बढ़ते गए। अंत में फ्रांस ने सितंबर 1936 में स्वतंत्रता पर बातचीत शुरू की और हाशिम अली अल अतासी सीरिया के मॉडर्न रिपब्लिक के पहले राष्ट्रपति बने। यह स्वतंत्रता बस नाम की ही थी क्योंकि इस ट्रीटी को फ्रांस ने मान्यता नहीं दी थी। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध, जब 1940 में हिटलर ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया और बीची फ्रांस को मान्यता दे दी। इसलिए सीरिया का पूरा क्षेत्र बीची फ्रांस के नियंत्रण में आ गया और बीची फ्रांस अलाइड पावर के खिलाफ था। इसलिए जुलाई 1941 तक ब्रिटेन और फ्री फ्रांस की सेनाओं ने सीरिया लेबनान पर फिर से कब्जा कर लिया और युद्ध के बाद यह पूरा क्षेत्र फिर से फ्रांस के नियंत्रण में आ गया। लेकिन यहाँ के राष्ट्रवादी अब स्वतंत्रता चाहते थे और ब्रिटेन ने भी उनका ही साथ दिया। फ्रांस इतना दबाव नहीं झेल पाया और अप्रैल 1946 तक अपनी सेना सीरिया से हटा दी और सीरिया एक स्वतंत्र रिपब्लिक सरकार के हाथों में आ गया, यानी पूरी तरह से स्वतंत्रता मिल गई। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद से 1960 तक यहाँ की राजनीति में उथल पुथल चलती रही। पहली उथल पुथल मचाई इसराइल के निर्माण ने। जब 1948 में एक यहूदी राज्य का निर्माण हो रहा था, तब सीरिया ने बाकी अरब देशों के साथ मिलकर इसराइल पर आक्रमण किया। लेकिन यहूदियों ने ना सिर्फ अरब देशों को हराया बल्कि एक नए राष्ट्र इसराइल की स्थापना की और सीरिया यह युद्ध हार गया। और यह हार यहाँ की सरकार झेल नहीं पाई, जिसके परिणाम स्वरूप 1949 में एक साल के भीतर एक के बाद एक सैन्य तख्ता पलट किए गए और अब्देल सिस्कली यहाँ के नए तानाशाह बन गए, जिन्होंने पहले तो सभी पार्टियों को बैन कर दिया। हालांकि 5 साल के बाद फिर से एक और तख्ता पलट हुआ। फरवरी 1954 को हुए इस तख्ता पलट में सिस्कली की सरकार को गिरा दिया गया। इस तख्ता पलट में सीरियाई कम्युनिस्ट पार्टी और बाथ पार्टी के सदस्य शामिल थे। इस तख्ता पलट के बाद सिस्कली लेबनान भाग गया। तख्ता पलट के बाद हाशिम अल अतासी और सुल्तान अल अतरसी प्रमुख नेता बनकर सामने आए। फिर आया 1956 का साल, जब नवंबर में स्वेज कैनाल क्राइसिस के बाद यह जग जाहिर हो चुका था कि ब्रिटेन और फ्रांस अब सुपर पावर नहीं रहे। तब सीरिया ने सोवियत यूनियन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद कम्युनिस्ट विचारधारा सीरिया में अपने पैर पसारने लगी। बदले में सीरिया को सोवियत यूनियन ने आधुनिक हथियार भी दिए। इस समझौते के बाद सीरिया और टर्की के बीच अनबन शुरू हो गई, हालांकि कोई झड़प नहीं हुई। आगे चलकर 1 फरवरी 1958 को सीरिया के राष्ट्रपति ने इजिप्ट के नासिर के साथ मिलकर संयुक्त अरब गणराज्य का निर्माण किया। लेकिन सीरिया में हालात ठीक नहीं थे और सरकार की कमजोरी का फायदा उठाते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद उमरान और मेजर सलाह जदीद ने 1961 में एक और तख्ता पलट कर दिया। हालांकि यह तख्ता पलट भी स्थिर नहीं रह पाया और 2 साल के अंदर 8 मार्च 1963 को फिर से एक तख्ता पलट किया गया। यह तख्ता पलट किया था बाथ पार्टी ने, जिसके प्रमुख नेता थे मिशेल अफलाक और सलाहुद्दीन। इतिहास में बाथ पार्टी केवल 2 ही देशों पर पावर हासिल कर पाई थी, एक तो था सद्दाम का इराक और दूसरा था सीरिया। खैर, सीरिया में पावर को लेकर बाथ पार्टी में आपस में ही खींचतान चलती रही। जैसे 1966 में राष्ट्रपति आमिन हाफिज को गिरफ्तार कर लिया गया और सलाह जजीद नए शासक बन गए। सीरिया की राजनीति में इजराइल का बहुत प्रभाव था, क्योंकि जब भी इजराइल के साथ लड़ाई होती थी तो हमेशा हार सीरिया की होती थी और हार के कारण सीरिया की राजनीति में खींचतान चलती रहती थी।
जैसा कि 6 डे वार के दौरान हुआ था, जब इसराइल ने सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्जा किया तो फिर से खिस्तान शुरू हो गई और 1970 तक सीरिया में एक और क्रांति हुई और बिना खून खराबे के एक और सैन्य तख्तापलट हुआ जिसमें हाफिज अल असद को राष्ट्रपति चुना गया, जो कि अपनी मौत तक सीरिया के राष्ट्रपति बने रहे। इसी बीच 1973 में इसराइल के खिलाफ एक और युद्ध शुरू हो गया, जिसमें शुरुआत में तो सीरिया को बड़ी जीत मिली लेकिन बाद में इसराइल ने वापसी की और सीरिया फिर से यह युद्ध हार गया। इसी दशक में इस्लामी ब्रदरहुड ने सरकार के खिलाफ एक विद्रोह शुरू कर दिया। दरअसल इस्लामी ब्रदरहुड की शुरुआत वर्ल्ड वॉर टू के बाद से शुरू हो चुकी थी। यह सुन्नी मुस्लिमों का एक ग्रुप है और 1950 के दशक में यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक ग्रुप भी था, लेकिन जब 1963 में बाथ पार्टी ने तख्तापलट किया था तब इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन इस संगठन ने 1979 से लेकर 1982 तक सरकार के खिलाफ इस्लामिक विद्रोह शुरू कर दिया, जिसे हामा रिवोल्ट भी कहा जाता है। लेकिन सरकार ने इन विद्रोहों को बुरी तरह से दबा दिया, जिसमें करीब 40,000 सीरियाई लोगों को आर्मी ने मार दिया। इसे हामा मैसेकर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं आगे चलकर दुनिया की राजनीति बदल रही थी, जब गल्फ वॉर में सीरिया सद्दाम हुसैन के खिलाफ था। सीरिया ने 1991 में मैड्रिड कन्वेंशन में भी भाग लिया था। साथ ही इसी दशक में सीरिया ने इसराइल के साथ बातचीत भी शुरू की, हालांकि परिणाम कुछ निकला नहीं। इसी बीच 10 जून 2000 को हाफिज अल असद की मौत के बाद उनके बेटे बशर अल असद को राष्ट्रपति चुना गया। इस नए राष्ट्रपति से लोगों को उम्मीद थी कि शायद यह राष्ट्रपति सुधारवादी होगा और बशर अल असद के शुरुआती कामों से ऐसा लग भी रहा था। लोगों को लोकतंत्र की उम्मीदें थी, लेकिन बेटा बाप जैसा ही निकला। आगे चलकर जब अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई, जिसमें कई देशों की सरकारें बदली, तो इसका असर सीरिया में भी हुआ। हालांकि यहां की सरकार बदली तो नहीं, लेकिन एक सिविल वॉर शुरू हो गया, जहां लोग अपनी सरकार के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए खड़े हो गए। साथ ही यहां की सरकार सिया होने के कारण यहां पर एक धर्म युद्ध भी शुरू हो गया, क्योंकि यहां की आबादी में ज्यादातर 70% सुन्नी समुदाय के लोग थे। साथ ही यह एक प्रॉक्सी वार भी बन गया, जहां रशिया और यूएसए आमने सामने हो गए। जहां रशिया ने सीरिया की सरकार का समर्थन किया तो अमेरिका ने विद्रोहियों का समर्थन किया। वहीं सिया सरकार के कारण ईरान भी यहां की सरकार के साथ है, तो बाकी अरब देश जैसे सऊदी अरेबिया और कतर ने विद्रोहियों का साथ दिया। साथ ही यहां कुछ चरमपंथी गुट भी स्थापित हो गए, जिनके बारे में हम और कभी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे सीरियन सिविल वॉर के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।